अमोर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव पंचायत अंतर्गत लाल चूड़ा गांव में मलहाना से हफनिया जाने वाली पथ पर बने पुल विगत वर्ष आई भीषण विनाशकारी बाढ़ में ध्वस्त हो गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने उस पुल के स्थान पर मिट्टी डालकर आगमन के लिए अप्रोच तैयार किया था और उस पुल के स्थान पर मिट्टी भर देने के बाद जब जल निकासी बंद हो गया तो उससे आसपास लालचूड़ा गांव के लोगों के घरों तक एवं आंगन में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने मिट्टी भरे अप्रोच पथ को काटने का कोशिश किया। स्थानीय मुखिया फायक आलम ने ग्रामीणों को सबसे पहले अप्रोच पथ काटने से मना किया और उसके बाद अविलंब इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सावन कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद शर्मा को दी। साथ ही गाँव वासियों ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से जल जमाव की समस्याओं से निपटने की उचित पहल करने की मांग भी की। पानी का दिक्कत हो गया बहुत। क्या दिक्कत हुआ है? अभी आंगन में पानी है, पेशाब करने का जगह नहीं है, जल निकासी का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। क्या यहाँ पुल था पहले? पहले 40-50 साल से पुल है यहाँ पर। वो पुल क्या हुआ? बाढ़ में सैलाब में उड़ गया। और सैलाब में बाढ़ में कट गया जी। तो अभी यहाँ मिट्टी भराई करके दिया था यहाँ पे? हाँ, मिट्टी भरने का टाइम रोक दिए थे। कल दे दीजिए तत्काल के लिए, मेरे नई स्कीम नहीं है, पुल होगा यहाँ पर। तो अभी जल निकासी के लिए आप लोग यहाँ पे काटे थे सड़क को? हाँ, काट रहे थे। तो मना किया गया किसके द्वारा? मुखिया का द्वारा। क्या आश्वासन दिया वो? वो कहा गया आज जाइए, हम आदमी आएगा तो काट दीजिए। गांव में एक ही बारिश से पानी आ गया है, अगर 10 बारिश होगा तो पानी कहाँ जाएगा? ये अभी आंगन में पानी है, अगर 10 बारिश होगा तो घर में पानी घुस जाएगा। बल्कि अभी 5 महीना है पानी क्रॉस होने का। यहाँ पहले पुल था, बारिश होगा। यहाँ पहले पुल था, पहले 40 साल से पुल है। कोई जमाना से पुल है? कोई जमाना से पुल है। इस बार आकर के जो है मिट्टी भर दिया, बोल रहा था कि तत्काल के लिए मिट्टी भरा जा रहा है 1-2 महीने के लिए। जब अप्रैल या मई का महीना आएगा तो यहाँ पे पुल हो जाएगा। तो ये पुल यहाँ के लोगों को ऐसे ही बाधा दे करके मिट्टी डलवा दिया। हम लोग घर में नहीं थे, बाहर थे। ये पुल कब कटा? बाढ़ में? बाढ़ में कटा है, जबकि जो बाढ़ बड़ा बाढ़ आया था उसी टाइम गिर गया है पुल। तो अभी मतलब पूरा गांव में जल जमाव है? पूरा गांव में ही पानी है, अगर झूठ बोल रहे हैं। आंगन में पानी है,